भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के बड़ा कठार गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुत्र ने अपने ही बाप को ईंट से मारकर मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे ने अपने ही बाप की हत्या कर दी। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि दुर्गागंज थाना क्षेत्र के बड़ा कठार गांव निवासी चंद्रशेखर पांडे की बीती रात हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप और किसी पर नहीं बल्कि उनके बेटे पर लगा है। मृतक चंद्रशेखर पांडे के बेटे जयस कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे छोटे भाई की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसने बीती रात कहासुनी के बाद ईंट से पिता के ऊपर हमला कर दिया। ईंट से मारकर बेटे ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। मानसिक रूप से बीमार बेटे ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरी घटना दुर्गागंज थाना इलाके के बड़ा कठार गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आसपास के गांव में सनसनी फैल गई है। मैं जयेश पांडे, ग्राम बड़ा कठार, थाना दुर्गागंज। आज ये दिनांक 24/1/2023 को मेरे पिता स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर पांडे जी का दुखद निधन हुआ और यह मेरे छोटे भाई द्वारा मानसिक संतुलन खोने की वजह से उसने गलत स्टेप्स लिए, उसकी वजह से हो पाया। और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।